आज की रेसिपी शुरू होती है राई से। आप लोग समझ चुके हैं कि राई की रेसिपी कौन सी है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट फटाफट से कर दीजिए कि कौन सी है। राई की रेसिपी बनाने के लिए 2 चम्मच चाहिए राई, और इनको उखल मुसल की सहायता से ऐसे घुमा घुमा कर पीस लेंगे। बहुत आसान है पीसना। यदि आप ऐसे नहीं पीसना चाहें तो मिक्सी की सहायता से पीस सकते हैं, जैसे आपकी मर्ज़ी हो वैसे आप पीस लीजिए। और ये देखिए, बहुत अच्छे से मैंने बारीक बारीक पीस लिया है। कोई ज़्यादा समय नहीं लगता, लेकिन आपको इसी तरह से पीसना है, चाहे आप मिक्सी में पीसे चाहे उखल मुसल की सहायता से पीसे, ऐसे पीस लेना है आपको। और 1 किलो छाछ ली है, और उसमें जो पीसी हुई राई थी वो ऐड करेंगे। पूरी राई को ऐड कर लेंगे, 2 चम्मच पूरी डालेंगे 1 किलो छाछ में, और अब इसको मिक्स कर लेंगे। देखिए, अच्छे से इसको मिक्स करना है आपको, ताकि कहीं कोई गुठलियाँ ना बने। और अब क्या करना है, इस राई को आप 1 घंटे के लिए या आधे घंटे के लिए छोड़ दीजिए ऐसे ही, या फिर फ्रिज में रख लीजिए। अब चाहिए हमें 8-10 हरी मिर्ची। आप चाहे तो आधी हरी आधी लाल आती वो भी ले सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, दोनों से ही बन जाएगी, बहुत ही टेस्टी रेसिपी। और इनको धो लेना है, मैंने धो लिया है। देखिए, बढ़ते हैं गैस की तरफ, और पानी को गर्म कर लिया है, और इसमें डाल देंगे सभी हरी मिर्च जो धो कर के लिए अपन ने वो, और इनको अच्छे से डुबो देंगे। आप चाहें तो इसको ढक भी सकते हैं, आप चाहे तो ऐसे भी उबाल सकते हैं, लेकिन ढकोगे तो ढकने के बाद में देखिए थोड़ा सा ऐसे इस तरह से थोड़ी सी उघाड़ी छोड़नी है आपको भगोने को, ताकि जब ये उबलेगी तो बाहर पानी नहीं आएगा। और आप ऐसे छोड़ना चाहें तो ऐसे रहने दीजिए, ऐसे भी ये बॉईल हो जाएगी। आपको यदि ऐसा महसूस होता है कि इनको हिलाना चाहिए घुमाना चाहिए, तो आप घुमा सकते हैं। और ये देखिए, ये बॉईल हो चुकी है। बॉईल होने के बाद में अपने आप ही नीचे बैठ जाती है, और इनका कलर भी थोड़ा चेंज हो जाता है। देखिए, अभी गैस को बंद करके मैं आपको कलर दिखाती हूँ। ये देखिए, कलर थोड़ा चेंज हो चुका है। अब भगोने को हटा लेंगे और इनको पानी से निकाल लेंगे, एक अलग बर्तन में एक अलग प्लेट में। पानी नहीं रहना चाहिए इनमें, और ठंडी करने के लिए आप पानी से धोए नहीं। कई लोग क्या करते हैं, ठंडे पानी से धो लेते हैं फटाफट से बनाने के चक्कर में, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि फिर बहुत अच्छी रेसिपी नहीं बनती। जो टेस्ट आना चाहिए वो नहीं आता, और ये टाइट भी हो जाएगी, फिर उबालने का क्या मतलब रहा। ये देखिए, ठंडी हो चुकी है, 4-5 मिनट में ठंडी हो जाती है रूम टेम्परेचर पे। तो ठंडी कर लेने के बाद में आप मिर्ची को ऐसे लीजिए, और हल्के हाथों से पीछे वाला जो प्लास्टिक जैसा इसका कवर है इसको हटा दीजिए। ये देखिए इसी तरह से, और बीजों को निकालने के लिए पहले पीछे का डंठल निकालेंगे, उसके बाद में बीच में से मिर्ची को खोल लीजिए और ऐसे बीजों को निकाल दीजिए। बीज निकाल लेने के बाद में आपको पतली पतली सी ऐसे करनी है, और फिर बीच में से फिर से ऐसे टुकड़े करने हैं। 3 टुकड़े कर सकते हैं, 4 टुकड़े कर सकते हैं, जैसे आपकी मर्ज़ी। इसी तरह से देखिए सभी का ऐसे कर लेंगे। ये देखिए, आप मैंने कर ली है, ये देखिए बहुत ही अच्छी रेसिपी बनेगी ये, और खाने में बड़े बड़े बाइट भी नहीं आएंगे, छोटे छोटे आएंगे। जो अपन ने छाछ ली 1 घंटे बाद में, उसका टेस्ट इसमें आ चुका है। सारी मिर्चियों को इसमें कर देंगे मिक्स। मिक्स करने के बाद में आधी चम्मच लाल मिर्ची पाउडर लिया है अपन ने, टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लीजिए। आप कम खाना चाहते हैं तो कम। आधा चम्मच लिया है सिंपल नमक, और आधा चम्मच के लगभग लेंगे काला नमक। आप कम ज़्यादा खाएं उसके अकॉर्डिंग इनको कम ज़्यादा कर सकते हैं, मैं अपने अकॉर्डिंग कर रही हूँ। और इनको अच्छे से मिक्स करना है, 1 मिनट तक आप इसे हिलाइए, ताकि नमक अच्छे से मेल्ट हो जाए, और ये बहुत ही अच्छी सी रेसिपी बन करके तैयार हो। ये देखिए, छाछ को दूसरे बर्तन में कर लेंगे ऐड, और फिर देखिए कितनी शानदार कितनी लाजवाब सी अपनी ये जो रेसिपी बनी है वो है। इसमें राई की खुशबू, राई का टेस्ट, ये बहुत ही डिलीशियस लगता है। आप खाएंगे बना करके तो इसके दीवाने ही हो जाएंगे। इस रेसिपी का नाम है राई छाछ, और आपको ये पहले से आती थी या नहीं आती थी आप ये कमेंट करके मुझे बताइए। और आप यदि पहली बार बना के खा रहे हैं तो आपको ये कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि मुझे ये पता रहे कि मेरे व्यूअर्स को क्या अच्छा लग रहा है क्या नहीं। आप हमारे चैनल पे आए उसके लिए थैंक यू सो मच।